सेंट्रल जेल अम्बाला में गोली लगने का मामला अब तक जिला पुलिस और जेल प्रशासन के लिए पहेली बना हुआ है। जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारी के अंदर गोली लगने से महिला कैसे घायल हो गई, इस बात की पड़ताल के लिए जहां प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज खुद जेल का दौरा कर चुके हैं, वहीं आज डीजीपी जेल मोहम्मद अकील जेल में पहुंचे, जिन्होंने इस हादसे में घायल हुई महिला को अस्पताल से जेल बुलाकर पूरा सीन रिक्रिएट करवाया। डीजी जेल ने दावा किया कि दो सप्ताह के अंदर अंदर इस मामले से पर्दा उठा दिया जाएगा। अम्बाला की सेंट्रल जेल में गोली चलने के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने खुद जेल का दौरा कर जांच कर रही टीमों को पूरा मामला रिक्रिएट कर गहनता से जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज डीजी जेल मोहम्मद अकील अम्बाला की सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने गोली लगने से घायल हुई महिला को अस्पताल से जेल बुलाकर पूरा सीन रिक्रिएट करवाया, जिसके बाद डीजी जेल ने जेल प्रशासन सहित जांच कर रही जिला पुलिस की टीमों को ये निर्देश दिए कि इस मामले की हर एंगल से जांच करें। उन्होंने कहा कि जो बुलेट इस मामले में महिला को पैर में लगी उस बुलेट की जांच की जाए और उस बुलेट को जेल में मौजूद सभी हथियारों से मैच किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को उन्होंने दो हफ्ते के अंदर अंदर पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अम्बाला एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि इस मामले में जो बुलेट रिकवर की गई है उसकी जांच की जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में मामला सुलझ जाएगा। कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में भी मैंने मीटिंग की और डिटेल में देखा और सभी संबंधित अधिकारी हैं, जैसे एसआईटी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और साथ में हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, वो सभी के साथ डिस्कशन किया है और मैंने ये कहा है कि जितने भी एंगल हो सकते हैं इस इशू को हर एक एंगल से देखा जाए। कि एंगल से मेरा मतलब है कि अगर कोई मिसचीफ अंदर से किसी कैदी से मिसचीफ है उसको देखा जाए, चाहे कैदी वो अंडर ट्रायल है या मान लिया कि जो जिसको कहते हैं कि प्रिजनर है, या फिर चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, सारे एंगल से देखो। कोई जेल स्टाफ की तरफ से कोई मिसचीफ है उसे भी देखो, कोई एक्सीडेंट की अगर पॉसिबिलिटी कहीं से दिख रही है तो एक्सीडेंट की देखो, अगर जेल के कुछ संतरी से अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसको चेक करो पूरा, और अगर जेल के बाहर से दिखाई देता है तो वो तो प्राइमरीली इसमें जो काम जो मैंने ड्यूटी लगाई है, तो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनको कहा है कि जो बुलेट है बुलेट के ऊपर आप कंसंट्रेट करो, जिस किस वेपन से फायर हुआ है या हो सकता है उस वेपन पर कंसंट्रेट करो, और जो वुंड है जो चोट है जिस लेडी से उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, वो क्या कहती है। तो आज काफ़ी हद तक रिकंस्ट्रक्ट करके देखा है और मैं समझता हूँ कि शायद ये दो हफ्ते के अंदर जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं सारा देख, मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया है कि जितने भी वेपन्स हैं यहाँ जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं सारे के सारे लॉन्ग रेंज वेपन्स को चेक कर लो, क्योंकि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बुलेट मिल गई, तो जैसे ही अगर बुलेट मिल जाती है तो हमारे हाथ बहुत मजबूत हो जाते, क्योंकि वो बुलेट जो है वो मैच हो जाएगी अगर किसी वेपन से, अगर जो जेल के अगर किसी वेपन से फायर हुआ है, चाहे डेलिबरेट फायर है चाहे एक्सीडेंटल फायर है, उसमें मैच हो जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने इसमें एक एसआईटी का गठन किया है, डीएसपी हेडक्वार्टर और सीआईए साइबर सेल और एसएचओ जो है उसमें मेंबर्स हैं और पर्सनली मेरे द्वारा उसको सुपरवाइज किया जा रहा है। तो इसमें हम हर पहलू के ऊपर जितने भी हमारे को वहाँ पे फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं उनको सबको हमने कलेक्ट किया है और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसका भी हमने एनालिसिस किया और प्रॉपरली एज पर रूल एंड लॉ हमने उसको फाइल पे लिया। और जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जैसे आप आज डीजी प्रिजन द्वारा भी मौका घटनास्थल देखा गया और हमारे जो फोरेंसिक और बैलिस्टिक के एक्सपर्ट हैं उन द्वारा भी पूरा मौके की मुआयना किया गया, तो उसमें आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें काफ़ी जिन्होंने बताया कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एग्जैक्ट जो ट्रैजेक्टरी थी जो बुलेट ने फॉलो की उसके बारे में कुछ ना कुछ हमारा स्पष्ट हो जाए। सीसीटीवी से भी देखो ये लगता है
देखिए, जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं कि किसमें क्या हो रहा है वो तो मैं अभी केस की रिवील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली सारी की सारी चीज की फुटेजेस जो हैं, टोटल जितने कैमराज हैं वो हमने रिकॉर्ड पे ले ली हैं, और उसका जो मुआयना है वो हमने काफी हद तक कर भी दिया। की बात नहीं।